बुकिंग करी है वो करगिल में है और वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये बर्फ के नीचे से जो है पानी आता है यहाँ पर, तो जबरदस्त जी ले आकिब आकिब नजीरा यह दूसरा वाला, ये वाला पैच भी जो है ना ख़तरनाक है, ये भी गिरता ही रहता है, ये देख लीजिए। तो ये स्टैंप यहाँ पर लग गया है, अब हमें आगे जाने की इजाज़त होगी। तो चलिए हमारा सफ़र शुरू होता है। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। तो प्यारे अजीज, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो अभी जो है मेरा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है मुझे तकरीबन जो है 1-1.5 घंटा लगा मुझे पहले सामान बांधने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सामान जो है वो मैंने बांध लिया है। तो फ़िलहाल अब हम चलते हैं यहाँ से। अभी कोई बाइकर चल ही नहीं रहा है यहाँ से, लेकिन आगे जो है ना कुछ बाइकर्स मिलेंगे शायद, सैटरडे है आज। पर वैसे ना अब टूरिस्ट जो है ना वो नहीं आते, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा विंटर स्टार्ट होने को है। लद्दाख लद्दाख जी साइड में लगाना है, लद्दाख बराबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पर जो है मुझे एक कॉल आया था तो उसको अटेंड करना था, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था। अब हम फिर से जो है चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू सनमर्ग, सनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिस्मिल्लाह तो सनमर्ग में हम एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभानअल्लाह, लुक एट द व्यू, सुभानअल्लाह। तो आप देखिए साइड में, राइट साइड से देखिए ग्लेशियर देखिए पूरा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त पहाड़, ये पूरा ग्लेशियर है ऊपर देखिए, वो आप जब देखें ना ऊपर पूरी बर्फ़ है, ऊपर जम गई है।
सुभान अल्लाह। तो यहाँ से ये दिख रहा है थोड़ा सा है, लेकिन ये बहुत होगा। जो दूर से इतना विजिबल हो उसका मतलब है कि ये बहुत तादाद में होगी वहाँ पर, और बहुत ही ज़बरदस्त। सुभान अल्लाह। القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر والباطن الوالي المتعال। तो मसला यूँ हुआ है कि यहाँ बता रहे हैं कि भाई अगेन आप नहीं जा सकते क्योंकि वन वे है, क्योंकि जोजिला में कुछ गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई थी और वो आ रही हैं, तो अभी वेट करना पड़ेगा 3:30 तक। ऐसा इन्होंने कहा कि आप 3:30 तक वेट कीजिए, उसके बाद ही जो है जब वहाँ का ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा तो आप फिर जा सकते हैं। तो भाई ये तो दिक्कत वाली बात होगी। चले फिलहाल मैं वेट कर लेता हूँ। المقصد الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम सनमर्ग में रुके हुए हैं और हमें आगे जाने नहीं दिया गया, वो इस वजह से क्योंकि जोजिला से जो है आगे गाड़ियां आ रही हैं और उनको पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद हमें छोड़ेंगे। अब कुछ बंदे गए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, अगर आप छोड़ देते हैं तो हम अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल जो आप इस व्लॉग के साथ बने रहें, देखते हैं कहाँ क्या चलता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी भी हम जो है ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और 5 घंटे हो गए यहाँ पर हमें इंतज़ार करते हुए। तो अभी कुछ सिग्नल मिला है लेकिन बिल्कुल बेकार है। अब उम्मीद यही करते हैं कि हमें जाने दें ताकि हम अपनी मंजिल को पहुँच जाएँ। फिलहाल यहाँ पर वेट कर रहे हैं और मेरे पीछे भी बाकी सारे बाइकर्स हैं जो वेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और लंबे ट्रैफिक जैम के बाद हम वहाँ से निकल गए और मैंने वहाँ से कैमरा लगाया भी नहीं क्योंकि इतने रश में जो है ना लोग भाग रहे थे, तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कैमरा माउंट करूं अपने हेलमेट पर और आपको नज़ारे दिखा सकूं। लेकिन अभी जो है हम आगे निकल गए हैं, अब मैं यहां पर रुका हुआ था और अब जो है यहां पर मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि आप ये नज़ारे देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको पार करेंगे और आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। तो अब यहाँ से जोजिला का रास्ता जो है शुरू होने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा ना लैंडस्लाइड वाला एरिया है पूरा जोजिला का, तो यहाँ एहतियात से चलना पड़ता है। अल्लाह अकबर। ये लो जी, ये है दूसरा वाला। ये वाला पैच भी जो है ना खतरनाक है, ये भी गिरता ही रहता है, ये देख लीजिए खिसक जाता है। तो इसको हमने जल्दी से कवर करना है। अल्लाह अकबर। المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد। سبحان الله। लगभग मैं 9 बजे सोनमर्ग पहुंचा हूं, तो अभी बजे हैं 2:30 या 3 के करीब अभी टाइम आया होगा। तो अभी जो है हमें छोड़ा है वहां से, तो ऑलमोस्ट 4-5 घंटे जो है हमने वहाँ पर स्टे किया और ऐसे ही खड़े रहे, वेट करते रहे कब ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि हम यहाँ से चले जाएं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो जो ही ग्रीन सिग्नल मिला तो सब बाइकर्स ऐसे भागे हैं ना पीछे मुड़ के किसी ने नहीं देखा है, किसी का सामान गिरा, किसी का कुछ गिरा, किसी को परवाह नहीं भाई। रोड जो है ना बिल्कुल बेकार है यहाँ से, टाइल्स लगा करें लेकिन फिर भी ना आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है बाइक में, टायर्स में। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर भाई, ये देख लीजिए सामने रेतीले पहाड़, कितनी रेत है पहाड़ों में। ऑफ रोड देखिए, मेरे साथ मुंबई के बाइकर्स थे, उनके साथ बड़ी जो है दोस्ती हो गई थी मेरी, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ पीछे रह गए, शायद मैं आगे निकल गया और वो ग्रुप में थे, वो तीन बंदे थे, तो बहुत ही ज़बरदस्त बंदे थे, तो उनसे बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, क्योंकि टाइम भी स्पेंड हुआ मेरा बहुत अच्छा उनके साथ, और बड़े ही मतलब बड़े पोलाइटली उन्होंने मुझसे बात की, मतलब अपनी फीलिंग आ रही थी माशाल्लाह। तो अभी जो है हम यहाँ पर पहुँचे हैं, देखिए आप सामने, ये देखिए बर्फ़, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये बर्फ़ के नीचे से जो है पानी आता है यहाँ पर, और मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा यहाँ पर रुकता हूँ। तो ज़बरदस्त तो पहली वाटर, तो मौसम ने जो है फिर से रुख बदल लिया है, अब लग रहा है कि बारिश होने वाली है, क्योंकि यहाँ से अब फिर से जो है क्लाउड्स आने लगे हैं, ब्लैक क्लाउड्स। अब अल्लाह करे कि बस थोड़ा सा ये ऑफ रोड ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है अगर बारिश गिर भी जाती है फिर कोई मसाला नहीं। तो यहाँ से मुझे लग रहा है रोड कुछ बेहतर है, थोड़ा सा उतना नहीं है, टाइल्स लगी हुई हैं लेकिन ये वाइब्रेशन बहुत करती है। देखिए आप देख सकते हैं मेरा वाइज़र जो है ना कितना वो हिल रहा है, असल मैंने यहाँ पर जो है ना ये डबल टेप लगाया हुआ है ताकि ये हिले डुले ना, लेकिन नहीं, ये रोड बिल्कुल नहीं मार रहा। भाई साहब मुझे बैग की टेंशन हो रही है, मैं बैग को देख रहा हूँ, बैग को मत, उसमें मत कोई चीज़ मत गिरेगी, हालांकि मेरे बैग को मैंने बहुत अच्छे से बांधा हुआ है, लेकिन जो मैंने केन और एक जूता मैंने पीछे लटकाया हुआ है वो मैंने बंजी कॉर्ड से जो है बांध कर रखा हुआ है, लेकिन भरोसा नहीं है कहीं भी गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पर भी बर्फ़ जम गई है और नीचे से पानी बह रहा है इसके नीचे से, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो बर्फ़ है ना, धूप होने के बावजूद ये बर्फ़ जो है ना ये पिघलती नहीं है, इसका मतलब है कि रात को यहाँ पर माइनस होता होगा, ठंड होती होगी जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा जम गया है और पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय शाय हो गई, तो अब मैं यहाँ से निकल गया, तो मैंने पीछे से कैमरा ऑफ़ कर रखा था क्योंकि बारिश हो रही है, और अभी जो है मैंने इसके ऊपर वाटरप्रूफ जो है कवर लगा दिया है ताकि मेरा कैमरा जो है बचा रहे। वैसे तो ये वाटरप्रूफ है लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो सफ़र है वो 10-11 दिन का हो सकता है, तो अगर कैमरा में कोई इशू हो गया तो सफ़र जो है वो अधूरा रह जाएगा, तो मैं उसको शेयर नहीं कर पाऊँगा आपके साथ।
तो इस वजह से जो है कभी कभी ना कैमरा निकालना पड़ता है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं तो रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए बिल्कुल ना पहाड़ों के बीचों बीच आसपास पहाड़ हैं और दुकानों का नामो निशान नहीं है यहाँ से। यहाँ एक चीज़ है, अगर आपका अल्लाह बचाए ब्रेक डाउन हो जाता है बाइक वगैरह में, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको खुद जो है यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा या किसी का वेट करना पड़ेगा अगर कोई हेल्प करे आपकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी आराम से चल रहे हैं और ये जो कर्व्स यहाँ पर आ रहे हैं ना, इन पर मैं बिल्कुल धीरे से ही चल रहा हूँ, क्योंकि कर्व्स पे जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, टायर स्किड हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर एहतियात करें, अगर आप ऐसी जगहों पर राइड करते हैं जहाँ कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एहतियात करें, बिल्कुल आराम से चलें और आराम से अपनी मंजिल को पहुँचें। तो अभी शायद मुझे एक घंटा लग जाएगा द्रास तक, तो वहाँ पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद वहीं मैं स्टे करूँगा आज, और उसके बाद कल या परसों में लेह की तरफ निकलूँगा इंशाल्लाह। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है मौसम का, कि यहाँ पीछे अभी बारिश थी, अब यहाँ पर देखो फिर से सूखी सड़क है, अब आगे और बारिश होगी और गीली सड़क मिलेगी, तो ये काम यहाँ से चलता रहता है। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम बनाया है कायनात का। अल्लाहु अकबर। तो अभी जो है यहाँ पर हमने RT-PCR चेक करवाना है, शायद रेड भी होगा, फिर आगे हम जा सकते हैं। मेरा मेरा जी ले, हाँ अकेला सोलो। अभी जो है कुछ इन्होंने यहाँ पर साइन वगैरह कर दिया है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे कुछ टाइम वगैरह का इशू है तो वो देख लेंगे आगे। तो यहाँ पर जो है कुछ इन्होंने चेक वगैरह कर लिया मेरा RT-PCR और कहा कि आप जाइए, आगे स्टैंप वगैरह लग जाएगी। तो अब हम आगे जाएंगे, देखते हैं आगे क्या और प्रोसीजर है, उसको करते हैं फॉलो और चलते हैं। जी ले, ले जाने, ले वहाँ स्टैम्प दीजिए। कहाँ पर सर? यहाँ पे शेड में। ओके सर, थैंक यू। आकिब, आकिब नजीरा ना, गाड़ी नंबर JK01X6। हाँ अकेला सोलो। 6005402। तो ये स्टैम्प यहाँ पर लग गया है, अब हमें आगे जाने की इजाज़त होगी। तो चलिए हमारा सफर शुरू होता है। तो अभी जो है मैं फाइनली द्रास पहुंच चुका हूं, जहां मैंने बुकिंग करी है वो करगिल में है और वो यहां से 60 किलोमीटर दूर है। तो अभी क्या करता हूं मैं कि मैं कॉल का वेट करूं, शायद कॉल आ गया, पहले मैं कॉल पिक करता हूं। पानी कितना खूबसूरत लग रहा है, एक नंबर।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूम में आ चुका हूँ, अभी अभी जस्ट मैं एंटर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बैग जो है वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, तो अभी जो है मैंने बड़े बैग से खाली जो है टॉवल निकाला है और टी शर्ट निकाली है। अभी मैं फ़्रेश हुआ हूँ, डिनर मैंने नहीं किया है और लैपटॉप में मैंने अभी SD कार्ड लगाया हुआ है और मैं डेटा को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कार्ड्स नहीं थे। जितनी भी मैंने घर से लेकर द्रास तक फुटेज ली है वो सारा मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ, और द्रास से लेकर करगिल तक मैंने कोई भी फुटेज नहीं ली क्योंकि मेमोरी कार्ड बिल्कुल फुल था और रास्ते में मौका नहीं मिला कि मैं लैपटॉप को निकालूं और डेटा को कॉपी करूं, क्योंकि लैपटॉप जो था वो मेरे बड़े बैग में था और बड़ा बैग जो था वो पूरा रस्सी से बंद था। अब मैं आपको बताऊंगा कि मसला हुआ क्या। मेरा जो इरादा था वो द्रास में रुकने का था। द्रास में 4:30 या 5 बजे के करीब मैं पहुँचा था वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं अब होटल ढूँढ रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा था घर से ही, और मैंने लोकेशन द्रास की डाली थी। द्रास में पहुंचकर मैंने कहा एक बंदे से, भाई ये होटल कहाँ पर मिलेगा? तो उन्होंने कहा ये करगिल में मिलेगा जो कि द्रास से 60 किलोमीटर है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है फिर एक काम करते हैं, मैं वहाँ से करगिल की तरफ निकलूँगा और जो कि 60 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर मैंने फिर से राइड करी और 1.5 घंटे के बाद जो है मैं यहाँ पहुँचा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं रूम पर हूँ। तो अब जो मेरा इरादा है कल का, यानी जो अपडेट है वो है कि मैं कल लेह की जानिब निकलूँगा। कल संडे है क्योंकि कल शाम को अगर मैं पहुंच जाता हूं तो मैं शाम को वहीं स्टे करूंगा क्योंकि संडे के दिन DC ऑफिस बंद रहता है और मुझे परमिशन चाहिए वहां की जगह जो है उनको एक्सप्लोर करने के लिए। तो मंडे के दिन वहां का DC ऑफिस खुलेगा तो मुझे वहां से परमिशन लानी है, तभी जाके जो है हम पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली, खारदुंगला वगैरह जा सकते हैं। तो आज का यही अपडेट था। तो अभी मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, तो अभी मैं डिनर करता हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठना है। नमाज़ पढ़ने के बाद ही जो है इंशाल्लाह मेरा सफ़र जो है वो लेह की जानिब होगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूँ नमी कला जो है यहाँ पर जो है आल्टीट्यूड जो इसका है 12,198 फीट का है। तो यहाँ और भी बाइकर्स हैं, आगे जाना है पहाड़ को चीरते हुए आगे तक, तो निकलते हैं यहाँ से।